वीडियो में मैं आपको 159 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह मैंने 159 की भी दो ब्रांचेज बना ली। लेफ्ट साइड आपका प्राइम नंबर होगा, राइट साइड भी अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे आपकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। 353 जा 159 हुआ और राइट साइड आपका एक प्राइम नंबर आया, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री यहीं पर क्लोज होगी। एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, तो लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी प्राइम नंबर मिलेंगे। इन प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 3 × 53 159 हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। एंड 3 एंड 53 159 के प्राइम फैक्टर्स होंगे।